नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का कार्यालय है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे साथ नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। आप सभी को पता है माताओं बहनों का पर्व जो पुत्र के लिए किया जाता है, जीवित पुत्र का व्रत, ये आने वाला है। इसके बारे में हम गुरु जी से जानना चाहेंगे, ये व्रत कब है, कब किया जाए और माताएं बहनें किस दिन उपवास रखेंगी और इसमें क्या क्या विधि विधान है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले गुरु जी, आपका नारद मीडिया के कार्यालय में स्वागत है। मैं सबसे पहले नारद मीडिया एवं सनातन संस्कृति न्यास के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, समय समय पर जो आप एकनिष्ठ होकर और धर्म की चर्चा करते हैं और जो लोगों की जनमानस की आस्थाएं हैं उनको पुष्ट करने की आपके तरफ से कोशिश की जाती है, तथा व्रत और पर्व दो दिन जो होते हैं, जो भ्रांतियां होती हैं, जो इसमें तरह तरह की बातें चलती हैं या कतिपय लोगों के द्वारा व्रत को दूषित किया जाता है, तो आप लोगों के प्रयास से बहुत इसमें लोगों को आसानी मिलती है। जो देखते हैं वो सही व्रत का निर्णय कर पाते हैं। पहले तो मैं जीवित पुत्रिका के या कोई भी व्रत हो इसके बारे में मैं बता दूं कि कोई भी व्रत होता है तो सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। जो हमारे सामने बातें आ रही हैं आजकल, तो जब अष्टमी लग जाती है कोई भी तिथि हो, अभी जीवित पुत्रिका में जब अष्टमी लगती है तो उसी समय से ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अन्न छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी व्रत होता है तो उदयकालीन सूर्य हो, उसमें जो तिथि सामने प्राप्त हो उसी को ग्रहण किया जाता है। तो उसका सीधा श्लोक है कि या तिथि समनुप्राप्य उदयम जाति भास्कर, सा तिथि सकला ज्ञया दाना अध्ययन कर्मसु। जो भास्कर के उदय काल में तिथि प्राप्त हो वही समस्त मानी जाती है। अब ऐसा नहीं मंगल बुधवार को जीवित पुत्र का व्रत है, पितरों की तृप्ति के लिए एवं संतान के दीर्घायु और मर्यादा के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए जीवित पुत्र का व्रत, यह कठिन व्रत माताएं करती हैं और संतान का महत्व आप समझ रहे हैं कि पुंग नामनी नरकात त्रायते इति पुत्र, तो उन्हीं से संतति और वंश परंपरा चलनी है, दुनिया उसी से है। तो हम तो यह कहेंगे कि आप इसको ठीक से समझ लें कि मंगलवार को नहा खा होगा और 4-5 बज के कुछ मिनट के बाद मंगलवार को अवसान हो रहा है, सप्तमी का अष्टमी शुरू हो रहा है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। 24 तारीख को आप जैसे प्रातः उठ के चिल्ली सियारी को आप देती हैं, जो देना है अपने पितरों के लिए, उनकी तृप्ति के लिए जो करती हैं, दान उपदान करती हैं, तो वो बुधवार को आपका व्रत है होगा जीवित पुत्रिका का, 25 तारीख को। और नौमी आपको सूर्योदय काल में प्राप्त होती है गुरुवार को, 26 तारीख को। अब उसका अवसान होता है 4 बजे के पश्चात, तो आप अपनी सुविधा से पारण करेंगे, सूर्योदय के पश्चात आप कभी भी पारण कर सकते हैं। यानी कि इस बार जीवित पुत्रिका व्रत जो है वो 25 तारीख दिन बुधवार को है, बुधवार को है। और इसमें भ्रांतियां नहीं पालना है कि जब से अष्टमी लग रही है तब से अन्न जल छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। आप जो प्रातः उठ के सरगही लेते हैं, यह परंपरा है कि सुबह में उठ के करके और लोग कुछ लेते हैं कि यह कठिन व्रत, इसमें खर भी नहीं डालते हैं लोग मुंह में, तो महिलाओं के लिए माताओं के लिए कठिन व्रत है। तो वैसे
अनपढ़ लोगों के बहकावे में कभी नहीं आए और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए सारा व्रत करना चाहिए। इसके बाद भी एक शास्त्र बात कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर ही धर्म का माध्यम है। जो माताएं तो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस व्रत पर्व को करें, क्योंकि बाल वृद्ध और रोगी के लिए नियम नहीं बना है, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इस व्रत पर्व को करेंगी। और कभी भ्रांति में नहीं पड़ना है कि मंगलवार को अष्टमी लग रही है उस समय से अनजल छोड़ना, ऐसा नहीं करेंगी। सूर्योदय से सूर्योदय तक का व्रत होगा, बुधवार के प्रातः सूर्योदय काल से आरंभ होकर और बृहस्पतिवार के सूर्योदय तक यह व्रत का अवसान होगा, उसके बाद पारण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपने देखा बड़े स्पष्ट तौर पर गुरु जी ने बताया कि माताओं बहनों को किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। 25 तारीख यानी बुधवार को उनका जीवित पुत्र का व्रत है, और जो माताएं बहनें वृद्ध हैं या अस्वस्थ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं है। वो शाम के समय अपना जो है जल ग्रहण कर सकती हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन बुधवार को सूर्योदय से लेकर और गुरुवार 26 तारीख के सूर्योदय तक उनका व्रत है, सूर्योदय के बाद वो अपना पारण कर सकती हैं। गुरु जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, नारद मीडिया के सभी लोगों को धन्यवाद, सनातन संस्कृति न्यास के सभी लोगों को धन्यवाद।